सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे एपीके फ्रॉम एंड्रॉयड स्टूडियो। तो एंड्रॉयड स्टूडियो से हमने एपीके को कैसे बनाना है वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और बिल्कुल सिंपल वे में, बिल्कुल इजी वे में समझाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को एंड तक देखना। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमने एपीके को बनाना है एंड्रॉयड स्टूडियो से। ठीक है फ्रेंड्स, तो करते स्टार्ट अपनी वीडियो। तो फ्रेंड्स देखो, ये आ गया मेरा एंड्रॉयड स्टूडियो। मैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो की स्क्रीन पे हूँ। ठीक है, तो अभी मेरे पास एक एप्लीकेशन खुली पड़ी है। ठीक है, ये एक प्रोजेक्ट है, ये ओपन हुआ पड़ा है। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने इस प्रोजेक्ट का, इसमें आप जो भी डेवलपिंग करना चाहते हो वो कर लेना, उसके बाद जब इसकी एपीके बनानी है तो वो बता देता हूँ मैं कैसे बनानी है। ठीक है, तो ध्यान से फॉलो करना इस स्टेप। तो हमने क्या करना है, हमने जाना है अपने बिल्ड पे। देखो टॉप पे यहाँ पे आएगा बिल्ड। ठीक है, बिल्ड पे जाके हमने करना है बिल्ड बंडल। यहाँ पे आपको दो तरह की एपीके मिलेगी। अगर आपने प्ले स्टोर पे अपलोड करनी है तो जनरेट साइंड बंडल एपीके। ठीक है, यहाँ पे साइंड होगी जो ऑफिशियल होती है, और ये होगी बिल्ड बंडल एपीके। यहाँ से आप किसी को भी शेयर भी कर सकते हो, मतलब ये अनऑफिशियल होती है, मतलब यहाँ से आप प्ले स्टोर पे अपलोड नहीं कर सकते। ठीक है, बट ये जो जनरेट साइंड बंडल एपीके है इसको आप प्ले स्टोर पे अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल ये वाली बनाएंगे बिल्ड बंडल एपीके। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बिल्ड एपीके पे जाऊँगा। ठीक है, अब बिल्ड एपीके पे गया तो यहाँ पे देखो प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, ये ग्रेडल बिल्ड रनिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो यहाँ से एपीके बननी स्टार्ट हो गई है। ये बैकग्राउंड प्रोसेस है। ठीक है, तो एंड्रॉयड स्टूडियो अपने आप हैंडल करेगा इसको, बस आपने जस्ट इसको देखना है अभी, और मेक श्योर कि आपका इंटरनेट कनेक्शन एक्टिवेट हो इसके अंदर। ठीक है, तो ये अपने आप ही जनरेट कर देगा एपीके। ठीक है, तो ये स्टेप से, ये स्टेप्स को आपने केयरफुली फॉलो करना है, एंड देन ये एपीके जो है जो एंड्रॉयड स्टूडियो से डेवलप हो जाएगी। तो अभी जल्दी हो जाने देते हैं प्रोसेस। तो देखो फ्रेंड्स, अपनी एपीके यहाँ पे हो गया डेवलप सक्सेसफुली। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैसेज आ गया, एपीके जनरेटेड सक्सेसफुली फॉर वन मॉड्यूल एप्लीकेशन फर्स्ट एप्लीकेशन। तो ये अपनी एप्लीकेशन का नाम है, और यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन डेवलप हो गई है। ठीक है, मतलब जनरेट हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लोकेट करना, देखो यहाँ पे आपको लोकेट का लिंक आएगा। ठीक है, तो मैंने इस पर लोकेट करना, तो जिस भी फोल्डर में ये एपीके बन के आई है वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारी आ गई है एपीके। ठीक है, तो ये एपीके हमारी। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको नाम चेंज कर देता हूँ। ऐप डिबग लगाया हुआ है हमने, यहाँ पर इसको चेंज कर देते हैं माई ऐप। ठीक है, तो ये माई ऐप की एपीके बन गई, तैयार हो गई। ठीक है, तो अब ये जो एपीके है देखो, इसकी एक्सटेंशन एपीके फाइल है, तो ये अब हमारे पीसी पे रन नहीं होगी। आप इसको क्या करना कि गूगल ड्राइव से या किसी भी लिंक से इसको शेयर कर देना अपने मोबाइल पे। ठीक है, तो मोबाइल पे ये रन होएगी। ठीक है, लैपटॉप पे रन नहीं होएगी, तभी यहाँ पे ये एप्लीकेशन यहाँ पे रन नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये एपीके हमारी यहाँ पे जनरेट हो गई है। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।